यस, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का लास्ट पॉइंट अपन ले रहे हैं, जिसमें आज अपन बात करेंगे पॉलीमर अर्थात बहुलक, पॉलीमर बहुलक की। ठीक है, सबसे पहले आप लोग को बताएं कि भाई पॉलीमर किसे कहते हैं, पॉलीमर का अर्थ क्या हो। तो मैं आपको बता दूं, एकलक इकाइयां जिसको कहते हैं मोनोमर यूनिट, इंग्लिश में मोनोमर यूनिट, एकलक इकाइयां आपस में मिलकर एक लंबी श्रृंखला बनाए तो उसको कहते हैं बहुलक, पॉलीमर। ठीक है, मोनोमर यूनिट जिसमें अपन कह रहे हैं एकलक इकाइयां या मोनोमर यूनिट, जो आपस में मिलके एक लॉन्ग चेन का, एक लंबी श्रृंखला का फॉर्मेशन हो, एक लंबी श्रृंखला बने, तो उसको कहते हैं पॉलीमर अर्थात बहुलक। और इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं पॉलीमेरिजेशन, बहुलीकरण। ठीक है ना, तो भी कई जैसे अपन यूँ समझ लो एक जो चेन ले, ठीक है, उसमें कई कड़ियाँ होती हैं, कई कड़ियाँ आपस में मिलकर एक जो चेन बनती है, तो वो एक चेन की कड़ी जो है ना, वो बहुलक की एक, यूँ मान लो कि वो एकलक इकाई होगी, वो मोनोमर यूनिट होगी। ठीक है, तो इस प्रकार एकलक इकाइयों के मिलने से एक लंबी जो श्रृंखला बनती है उसको कहते हैं पॉलीमर, और इस पूरी प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलीमेरिजेशन। पॉलीमर को नॉर्मली अपने स्ट्रेंथ लेवल तक की बात करें तो टू टाइप में डिवाइड किया जाता है, एक कहते हैं नेचुरल पॉलीमर, दूसरा है सिंथेटिक पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर का अर्थ ये हुआ ऐसे बहुलक जो अपन को डायरेक्ट नेचुरल से प्राप्त हो, प्रकृति से प्राप्त हो। ठीक है, तो उसको कहते हैं नेचुरल पॉलीमर, प्राकृतिक, ठीक है, बहुलक। जैसे रबर है, स्टार्स है, सेलुलोज है, सेलुलोज, स्टार्स ये प्लांट से, पौधों से प्राप्त होता है, प्लांट से, रबर भी प्लांट से प्राप्त होता है। और इसी प्रकार से नेचुरल पॉलीमर के अंदर यदि अपने जिसे प्रोटीन की बात करते हो, तो बॉडी के अंदर जो प्रोटीन होता है वो एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है, तो प्रोटीन भी एक प्राकृतिक बहुलक है, नेचुरल पॉलीमर है। तो ऐसे पॉलीमर जो डायरेक्ट ह्यूमन बॉडी में हो या अपन के प्लांट से प्राप्त हो, जो नेचुरल हो, प्राकृतिक हो, प्रकृति से सीधे अपन को प्राप्त होते हैं, उनको कहते हैं नेचुरल पॉलीमर, प्राकृतिक बहुलक। तो सबसे पहले अपन यदि इन प्राकृतिक बहुलक की बात करेंगे, नेचुरल पॉलीमर की बात यदि करें, तो यहाँ पर जैसे एक लिया आपने नेचुरल रबर, प्राकृतिक रबर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दो बातें ध्यान रखनी है, एक तो किसी बहुलक की एकलक इकाई ध्यान रखनी है, समझो बात को, भाई जैसे प्राकृतिक रबर है तो प्राकृतिक रबर की एकलक इकाई अर्थात मोनोमर यूनिट जिनसे ये बहुलक बनता है, ठीक है, तो उसकी मोनोमर यूनिट याद रखनी है। जैसे नेचुरल रबर जो है इसकी मोनोमर यूनिट है आइसोप्रीन, ये लिखा आइसोप्रीन, ये लिखा ना, आइसोप्रीन का फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CCH3, जैसे ये है। अब आप यदि इसका IUPAC नाम लिखते हो, ठीक है, यदि अपन इसका IUPAC नाम लिखे तो नंबरिंग इधर से करोगे ना, 1 2 3 4, 2 मिथाइल, ठीक है, 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3-डाई-ईन। ठीक है, 2 मिथाइल, 2 पे मिथाइल है, 4 कार्बन, ब्यूटा डबल बॉन्ड 1 और 3 पे 1,3-डाई-ईन। तो ये तो हुआ इसका IUPAC नाम, ठीक है ना, ये जो नीचे लिखा हुआ है ये तो इसका हो गया IUPAC नेम, ये तो हो गया इसका IUPAC नेम। और ये जो है ये कॉमन नेम, ये कॉमन नेम, ठीक है, ये जो है वो कॉमन नेम है इसका आइसोप्रीन, समझो बात को, आइसोप्रीन जो है वो इसका कॉमन नेम है, किसका, 2-मिथाइल ब्यूटा 1,3-डाईन का कॉमन नेम हो गया, ठीक है, आइसोप्रीन। ये एकलक जो इकाई है
इसका पॉलीमरेशन होगा, बहुलीकरण होगा। तो बहुलीकरण में क्या होगा, जैसे ये एन इकाइयां हैं, ये एन इकाइयां मिलके आगे लंबी श्रृंखला बनाएंगे, तो क्या होगा, ये इधर से बंध टूटेगा, ठीक है, ये बंध टूटेगा और इधर बंध बनेगा, ठीक है। इस बंध का टूटना होगा, यहाँ पाई बंध का बनना होगा, और इस बंध का टूटना होगा और इधर बनना होगा। तो ये बंध टूट के इधर शिफ्ट हो गया, ये बना देगा आगे दूसरी एक लेकिन इकाई जुड़ जाएगी, ये यहाँ बंध बन जाएगा और ये बंध टूट जाएगा इधर हो गया। तो ये हो गया, देखना इधर सी एस टू, ये इधर जुड़ जाएगी, ये इधर जुड़ा, ये हो गया, ठीक है। ये सी सी एस थ्री, ये बंध टूटा, ये बंध बन गया डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एस टू। ये तो इसका अर्थ है ये एन इकाइयाँ थी एक लग, और ये एन इकाइयाँ जुड़ के ये आपस में इस प्रकार से ये रिपीटिंग यूनिट होगी, ठीक है। ये जो है इस इकाई की पुनरावृत्ति होती जाएगी, ये आगे फिर आगे ऐसे आ जाएगी, फिर आगे ऐसे आ जाएगी, इस प्रकार इस एकलक इकाई की आगे से आगे क्या होती जाएगी, पुनरावृत्ति हो जाएगी। तो इसका नाम क्या था, आइसोप्रीन, ठीक है। बहुत सारी ऐसी एकलक इकाई होगी एन, तो का नाम दिया पोली आइसोप्रीन। तो पोली आइसोप्रीन ये क्या है, नेचुरल रबर, ठीक है, प्राकृतिक रबर है। तो यदि आपको पूछा जाए भाई कि प्राकृतिक रबर क्या है, तो एकलक इकाई क्या है, आइसोप्रीन, उसकी फॉर्मूला पूछा जाए तो याद रखना है, आईपीसी नाम है 2-methyl-butadienyl-3-diene, ठीक है। इसकी एन इकाई आपस में मिलके 1,4 एडिशन होगा, इस बंध का इधर टूटना होगा, इस बंध का बनना होगा, इस ठीक है, और इसी प्रकार से इस बंध का टूटना होगा, ये होगा इस बंध का बनना, इसका टूटना, इसका बनना, इसका टूटना, इसका बनना, और इस तरीके से ये एन इकाइयां आपस में एकजुट की एक लंबी श्रृंखला बना देते हैं, जिसको कहते हैं पोली आइसोप्रीन अर्थात नेचुरल रबर। एक शब्द आता है वल्केनाइजेशन, ये लिखा ना वल्केनाइजेशन, फिर पूछा जाए वल्केनाइजेशन क्या है, तो ये जो प्राकृतिक रबर है, इस प्राकृतिक रबर के अंदर सल्फर डाल देते हैं, और सल्फर डालने के बाद गर्म करते हैं, ठीक है, सल्फर डालते हैं और सल्फर डालने के बाद गर्म करते हैं, तो सल्फर क्रॉस लिंक के द्वारा जुड़ जाते हैं। जैसे म्यू, यहाँ अपन इसको ऐसे समझें कि भाई ये एकलक इकाइयाँ हैं, ठीक है, ये यहाँ पे ये एकलक इकाइयाँ इस प्रकार से लंबी श्रृंखला है, ये एकलक संघ है, तो इसके बीच में यूँ सल्फर जुड़ जाता है, ठीक है, ये सल्फर इधर यूँ जुड़ गया, ये सल्फर यूँ जुड़ गया, ठीक, ये सल्फर जुड़ जाता है बीच में, और इस तरीके से ये एक लंबी, तो कहने का ये जो अपन ये कहे हैं यहाँ पे ये जो एकलक इकाइयाँ हैं इसके बीच में सल्फर क्रॉस लिंक के द्वारा जुड़ जाता है, ठीक है। तो ध्यान यूँ रखो कि जैसे अपन यूँ समझे, आप इसको यूँ भी समझ सकते हो, ये एक लंबी पोली आइसोप्रीन है श्रृंखला है, दूसरी ये पोली आइसोप्रीन की श्रृंखला है, इन दोनों के बीच में जो है अपन कहेंगे ये सल्फर है, यहाँ से यहाँ के बीच में क्रॉस लिंक के द्वारा जुड़ जाता है, एक यहाँ से इस प्रकार जुड़ जाएगा, इधर जुड़ जाएगा, इधर जुड़ जाएगा, जिससे क्या होगा, इसकी रबर की तनन सामर्थ्य जिसको कहते हैं टेंसिल स्ट्रेंथ, तनन सामर्थ्य टेंसिल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ठीक है। हाँ, तो जरा ध्यान देना, कई बार पूछते हैं इसको कि वल्केनाइजेशन क्या है, तो आप लिख सकते हो कि जो प्राकृतिक रबर है उसमें सल्फर डालकर गर्म करने पर सल्फर इन श्रृंखलाओं के मध्य क्रॉस लिंक के द्वारा जुड़ जाता है, ठीक है न, और जिससे इस रबर की जो प्राकृतिक रबर है उसकी टेंसिल स्ट्रेंथ अर्थात तनन सामर्थ्य अपन खींचते हैं तो आसानी से वो टूटता नहीं है, ठीक है। तनन सामर्थ्य का अर्थ क्या हुआ, जिसको अपन रबर को ज़्यादा खींचे तो आसानी से टूटे नहीं, वो उसकी टूटने की कैपेसिटी और कम हो जाए, किसके कारण से, वल्केनाइजेशन के कारण, और कम हो जाती है, और प्रत्यास्थता जिसको कहते हैं इलास्टिसिटी, तो इलास्टिसिटी बढ़ जाती है और इसकी टेंसिल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, किसके कारण से, वल्केनाइजेशन से, ठीक है। तो ये आपको एक तो पूछा जाए वल्केनाइजेशन क्या है, ये ध्यान रखना। इसके बाद इसी प्रकार से अपन और आगे देखें यहाँ पर, ठीक है, प्राकृतिक रबर के बाद अपन नेक्स्ट जैसे कि सिंथेटिक रबर, ठीक है, जो जिनको अपन सिंथेसाइज करते हैं उसके बारे में कुछ बात करते हैं। सबसे पहले जैसे लिया नायलॉन 66, ठीक है, सबसे पहले लिया आपने नायलॉन 66, तो ध्यान दीजिए आपको किसी भी बहुलक की
सबसे पहले आपको ध्यान रखना उसकी एकलक इकाई क्या है, ठीक है। पूछते हैं, ये एक नंबर का कोड के अंदर एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन आता है, इसमें जनरली पॉलीमर से पूछते हैं। टोटली ये जैसे कार्बोनेट्स कंपाउंड फॉर मास्क का है, लेकिन एक नंबर अक्सर इसमें से पॉलीमर से एक नंबर का पूछ लेते हैं कभी, और उसमें पूछते मोस्टली यही है कि एकलक इकाइयाँ क्या है, जैसे नाइलॉन 6 की एकलक इकाइयाँ। तो आप दो तरीके से उसको याद रख सकते हो, एक तो जैसे सीधा नाम याद, फॉर्मूला याद रहे तो बढ़िया है, यदि फॉर्मूला याद नहीं रखे कम से कम आप नाम जरूर याद रखें, एडिपिक एसिड, ठीक है। दूसरा है हेक्सा मिथाइलिन डाइएमीन, समझ गए बात को, एकलक के क्या है, एक तो एडिपिक एसिड और दूसरा हेक्सा मिथाइलिन डाइएमीन, समझ गए बात को। तो नाइलॉन 6, ठीक है, अभी ये भी बात आएगी 6 क्यों नाम दिया है। तो एकलक के क्या है, एडिपिक एसिड एंड हेक्सा मिथाइलिन डाइएमीन। तो एडिपिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, ध्यान रखना, बीच में CH2 चार यूनिट, ठीक है, CH2 कितने हैं, चार, इधर एसिड इधर एसिड, तो टोटल कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन के आई हो गया, चार कार्बन के ये CH2 ये वक्त चार कार्बन इसमें आ गए और एक ये हो, तो इसका कॉमन नेम है एडिपिक एसिड, ठीक है, ये एडिपिक एसिड इसका कॉमन नेम है। IUPAC नेम यदि कहें हैं तो अपन जानते हैं हेक्जेन, ठीक है, डाइओइक एसिड है, IUPAC नाम तो इसका 6 कार्बन है, तो हेक्जेन डाइओइक एसिड हो गया, या हेक्जेन 1,6 भी कह सकते हो डाइओइक एसिड, और डायरेक्ट भी डाइओइक एसिड लिख सकते हो, लेकिन साधारण नाम, कॉमन नेम अर्थात साधारण नाम है एडिपिक एसिड। साधारण नाम जैसे कि अपने पहले ही कहा था, वो आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ कंपाउंडों के साधारण नाम कुछ रूल से लिख सकते हैं, बाकी सबका नहीं लिखना संभव नहीं है, तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको। इसका कॉमन नेम हो गया एडिपिक एसिड, ठीक है। अगला जो लिया गया है ये हेक्सा मिथाइलिन डाइएमीन, हेक्सा मिथाइलिन डाइएमीन, CH2 मिथाइलिन होता है, CH2 ग्रुप को क्या कहते हैं, मिथाइलिन, कितने, 6, तो नाम क्या हो गया, हेक्सा मिथाइलिन, कितने, NH2 एमीन, ठीक है, ये भी NH2 ये एमीन, ठीक है, ये H इधर अलग लिख दिया, बाकी है तो NH2 ही, ये भी नाइट्रोजन दो हाइड्रोजन NH2, ये भी NH2, और CH2 ग्रुप क्या कहलाता है, मिथाइलिन, कितने टोटल, 6, तो नाम हो गया हेक्सा मिथाइलिन डाइएमीन, ये इसका कॉमन नेम हो गया, ठीक है। तो एकलक का या एडिपिक एसिड एंड हेक्सा मिथाइलिन डाइएमीन, समझ गए, एडिपिक एसिड एंड हेक्सा मिथाइलिन डाइएमीन, ये इसका कॉमन नेम है और ये इनके फॉर्मूले। अब एन, जैसे बहुलक की बात करें तो एन इकाई अपन कहेंगे एडिपिक एसिड के लिए और एन एकलक इकाई हेक्सा मिथाइलिन डाइएमीन के लिए। तो जरा ध्यान देना यहाँ पर, जब इसकी अपन एन इकाइयाँ ले रहे हैं तो यहाँ से OH, ठीक है, ये OH और इधर से यहाँ का H ये निकलता है, समझ गए आपको। तो OH ग्रुप किसे निकला, एसिड से, और इधर से NH2 से क्या निकलता है, H। तो इस तरीके से ये N एकलक इकाई, N मोनोमर यूनिट अपने ले ली इस एसिड की और N एकलक इकाई ये, तो यहाँ से N जो है अपन कहते हैं इस तरीके से H2O निकलते जाएंगे, और यहाँ पर ये देखिए इधर से क्या निकला, यहाँ पर आप यदि देखें तो OH ग्रुप यहाँ से आ गया, अगली यूनिट आएगी तो OH इधर से ये OH निकलेगा, ठीक है, और COO ये आ गया COO, CH2 4, COO, यहाँ से H2 निकल गया, तो क्या आ गया NH, ये NS, CH2 6, और यहाँ से क्या निकलेगा, NH2 से निकलता है H और एसिड से निकलता है OH, इधर से जैसे अगली एकलक इकाई से जुड़ेगा तो इसका OH और इधर NH2 वाले का H, यहाँ से H2O, इधर आगे वापस एसिड आएगा तो इसका H, अगले का OH, फिर H2 निकलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये रिपीटिंग यूनिट होगी, ठीक है। नाइलॉन 6 इसलिए कहा गया है, 6 कार्बन इसमें है एडीपी एसिड में और 6 कार्बन है हेक्सा मिथाइलिन डाइएमीन में, तो नाम दे दिया नाइलॉन 6। और वैसे नाइलॉन जो वर्ड यूज करते हैं ये नॉर्मली जो भी पॉलीएमाइड होते हैं बहुलक, पॉलीएमाइड जिसे देखो COON, ये एमाइड है, ये पॉलीएमाइड, जहाँ पॉलीएमाइड होते हैं उसको लिए नाइलॉन और
ठीक है, और पॉलिएस्टर होते हैं वो एस्टर ग्रुप के अंदर कंसिडर होते हैं, जो अगली बात करेंगे अपन। इसलिए नाइलॉन और सिक्स कार्बन इसके हैं, सिक्स कार्बन इसके नाम दे दिया नाइलॉन सिक्स सिक्स, समझ बात को, सिक्स ये बता रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन। जो एडिपिक एसिड जो एकलक इकाई है, मोनोमर यूनिट है, उस एकलक इकाई अर्थात मोनोमर यूनिट के अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितने, सिक्स। और नेक्स्ट जो हेक्सामिथाइलिन डाइमीन है एकलक इकाई मोनोमर यूनिट, उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितने, सिक्स, तो नाम दीजिए नाइलॉन सिक्स सिक्स। ठीक है, तो कम से कम आप मत कराऊँ नाम प्लस फॉर्मूला पूरी स्ट्रक्चर याद रखें, और वो नहीं रहे तो एकलक इकाइयाँ का नाम तो कम मिनिमम आप याद रखे ही रखें। दो शब्द आते हैं, एक होता है कोपोलीमर, ठीक है, एक होता है होमोपोलीमर, ध्यान दें बात को। जैसे एक जैसे होता है यहाँ पर कोपोलीमर, ये आता है कोपोलीमर, ठीक है, और एक आता है होमोपोलीमर। इन दोनों का मीनिंग समझना क्या होता है, यहाँ पे होमोपोलीमर, ठीक है, हाँ भाई इन दोनों की मीनिंग देखें। कोपोलीमर का अर्थ ये हुआ कि जो बहुलक बनाए ना उसमें दो अलग अलग प्रकार की एकलक इकाई है। तो ये पूछ सकता है कि नाइलॉन सिक्स सिक्स होमोपोलीमर है या कोपोलीमर, ठीक है, कोपोलीमर को सह बहुलक और होमोपोलीमर को सम बहुलक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सम बहुलक, हिंदी में इसको कहते हैं सह बहुलक, ठीक है। तो कोपोलीमर का आता है यहां पर दो अलग अलग प्रकार की एकलक इकाई, जैसे एडीपी कैसी है, ठीक है, और ये हेक्सामिथाइलिन डाइमीन है, तो दो अलग अलग इकाई होगी, तो ये कैसा हुआ, कोपोलीमर, समझ रहे हो, तो लिख दिया मैंने यहां पर ये कोपोलीमर है सह बहुलक है, ठीक है। जैसे पोलीथीन होता है उसमें इथाइलिन ही एकलक इकाई के बहुलीकरण से बनता है, तो वो होमोपोलीमर है, ठीक है, तो आगे आएगा बात कर लेंगे। हाँ भाई समझ में बात, कोपोलीमर का अर्थ है दो अलग अलग प्रकार की एकलक इकाइयों के मिलने से ये बहुलक बना, तो इसलिए क्या कहेंगे, कोपोलीमर, सह बहुलक। एक होता है संघनन शब्द दिया जाता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, और एक होता है एडिशन पॉलीमराइजेशन। संघनन बहुलीकरण, जब दो इकाइयां आपस में मिलकर बहुलीकरण से जब बहुलक बनता है तो उसमें से स्मॉल मॉलिक्यूल निकलता है, जैसे यहां से जल निकला, कईयों में जल निकलेगा, कईयों में सीएल अमोनिया एल्कोहल, तो वो प्रोसेस कहलाता है संघनन, कंडेंसेशन, ये सब लिखा ना, कंडेंसेशन संघनन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, अर्थात संघनन बहुलीकरण, ठीक है। तो यहां पर देखा जाए तो इनमें संघनन बहुलीकरण हो रहा है और ये कोपोलीमर है। अगला जो लिया गया है टेरिलीन, ठीक है ना, टेरिलीन, टेरिलीन की फिर वही बात ध्यान रखने आपको, सबसे पहले इसकी एकलक इकाई क्या है टेरिलीन की, ठीक है, यहां पे टेरिलीन जो है इसकी आपको ध्यान रखना एकलक इकाई, तो एकलक इकाई है टर्थैलिक एसिड, ये फिर कॉमन नेम, एंड इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है ना, टेरिलीन की पूछा जाए एकलक इकाई क्या है, टर्थैलिक एसिड, जैसे ये भी इसमें बेंजीन रिंग है, इधर एसिड ग्रुप है सी डबल ओ ओ एच, इधर भी सी डबल बॉन्ड है ओ ओ एच, इधर भी एसिड ग्रुप है, इधर भी एसिड, बेंजीन रिंग के वन फोर पर एसिड ग्रुप आ जाए, ये बेंजीन रिंग है और इधर भी ये एसिड और इधर भी एसिड वन फोर पे, तो इसका कॉमन नेम क्या हुआ, टर्थैलिक एसिड, ठीक है ना, हाँ भाई यहाँ पे ये आ गया टर्थैलिक एसिड, ठीक है, ये हो गया टर्थैलिक एसिड। और एन एकलक इकाई अपन ले लें टर्थैलिक एसिड की, और इधर एन इकाई ही ले लें अपन इथाइलिन ग्लाइकोल, CH2 CH2 OH OH, इसका कॉमन नेम क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल, समझ गए बात को, CH2 CH2, ये है ना, हाँ भाई CH2 CH2 OH, इधर भी OH, इसका कॉमन नेम है इथाइलिन ग्लाइकोल, ये एन है, ठीक है, एन क्या बता रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसके, एन क्या बता रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये भी एन क्या बता रहे हैं, इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो एन अपन कहेंगे टर्थैलिक एसिड ले लें, एन इथाइलिन ग्लाइकोल ले लें, तो ये आपस में संघनन बहुलीकरण के दौरान एक लंबी श्रृंखला बनाएंगे जिसको करेंगे, ठीक है, अपन कहेंगे टेरिलीन, क्या कहलाएगा, टेरिलीन, ठीक है।
जैसे ये एसिड लिया, तो जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर, यदि अपन इसको बताएं, इस टर्थैलिक एसिड का इधर का एसिड का निकलेगा यहाँ का OH, ठीक है, और यहाँ का आएगा H, और यहाँ का OH, ठीक है, और यहाँ का H, क्या निकल जाएगा H2O, तो निकला माइनस H2O, तो इधर का भी एसिड का क्या निकलेगा OH, इधर अगली का ही आ गई, इससे इधर एसिड का OH निकलेगा, और इधर का क्या निकलेगा H, तो देखना इधर, इधर का ये OH निकाल दिया, ठीक है, यहाँ पे OH निकल जाएगा, तो क्या रह जाएगा C OO, बेंजीन C OO, ये आ गया O, फिर ये CH2, फिर ये CH2, और इधर का अगली एकलक इकाई जब इससे जुड़ेगी, तो ध्यान रखना एल्कोल वाले ग्रुप, ये एल्कोल ग्रुप है, तो इस एल्कोल ग्रुप से क्या निकलेगा H, और एसिड से क्या निकलेगा OH, ठीक है, तो एसिड से तो आप यहाँ से OH निकाल दें, और एल्कोल से यहाँ पर H निकाल देंगे, तो इस प्रकार से ये बन जाएगी टेरिलिन, तो ये बहुलक बन गया टेरिलिन। अब यदि पूछा जाए, एक तो ध्यान रखना आपको इसकी एक लक इकाई क्या, कम से कम तो टर्थैलिक एसिड इथाइलिन ग्लाइकोल, नाम तो कम से कम याद रखना ही है, उसके बाद अच्छी बात होगी आपको फॉर्मूला याद रख। हाँ भाई, तो टेरिलिन जो पॉलीमर है इसको अपन क्या कह सकते हैं, को पॉलीमर भी कह सकते हैं, ठीक है ना, को पॉलीमर क्यों कहेंगे, क्योंकि ये बहुलक जो है दो अलग अलग एकलक इकाइयों के मिलने से बना है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, को पॉलीमर, ठीक है। और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, संघनन बहुलीकरण, जिसमें अपने अभी कहा था ना, दो एकलक इकाइयों के मिलने से इस प्रकार जहाँ स्मॉल मॉलिक्यूल यहाँ का OH यहाँ का H निकल के, ठीक है, ये जो बना है टेरिलिन, इसको क्या कहेंगे अपन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन संघनन बहुलीकरण, ठीक है। तो ये जो दोनों हैं सिंथेटिक पॉलीमर नायलॉन 6,6 एंड टेरिलिन, ये दोनों फाइबर की कैटेगरी में आते हैं, रेशे धागे, ठीक है ना, यहाँ टेरिलिन नायलॉन टेरिलिन की आप जानते हो ना, कपड़े नायलॉन के भी होते हैं टेरिलिन के होते हैं, तो ये दोनों जो बहुलक है नायलॉन 6,6 एंड टेरिलिन, ये दोनों ही पॉलीमर जो है, ये दोनों ही जो बहुलक है ये फाइबर की कैटेगरी के अंदर इसको रखा जाता है दोनों। चलिए जी आगे अपन नेक्स्ट यदि बात करें, तो अगला जो है वो भी सिंथेटिक पॉलीमर ही है, लेकिन ये प्लास्टिक है। अभी अपने पढ़ा सिंथेटिक पॉलीमर के अंदर फाइबर, जिसके अंदर था नायलॉन 6,6 एंड टेरिलिन, अभी अपन जो पढ़ेंगे वो है प्लास्टिक, ठीक है। प्लास्टिक में जैसे पॉलीथीन, पहला एग्जांपल लिया आपने पॉलीथीन, इसकी एकलक इकाई है अपन कहेंगे एथीन, CH2 CH2, एथीन भी कह सकते हैं या इसको इथाइलिन भी कह सकते हैं, इथाइलिन इसकी एकलक इकाई है। ये एक और ध्यान रखना, अभी अपन जो ये पढ़ रहे हैं योगदान इसमें सिंथेटिक पॉलीमर के अंदर, ये अभी सारे जो एग्जांपल मैंने लिखे जाते हैं ये योगात्मक बहुलीकरण के हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन के हैं, और इससे पहले जो लिए थे नायलॉन 6,6 एंड टेरिलिन, वो दोनों ही कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के थे, दोनों ही संघनन बहुलीकरण के थे, और अभी अपन जो बात कर रहे हैं वो है योगात्मक बहुलीकरण के द्वारा बनेंगे, तो इनको योगात्मक बहुलक भी कह सकते हैं, जिसमें पहला जो लिया है अपना है पॉलीथीन, ठीक है। हाँ भी, तो इसमें योगात्मक बहुलीकरण में क्या होगा कि ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और इधर ये बॉन्ड बनता जाएगा, और इन एकलक इकाइयों की पुनरावृत्ति होती जाएगी, ये रिपीट होते जाएंगी, जिससे ये बन जाएगा पॉलीइथाइलिन, जिसको पॉलीथीन भी कह सकते हैं, पॉलीथाइलिन जैसे ही, ठीक है ना, ये बॉन्ड टूट जाएगा यहाँ पर, तो ये एक लंबी श्रृंखला बन जाएगी इस तरीके से, इसको पॉलीथीन या पॉलीथाइलिन कह सकते हैं। दूसरा जो है PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। इस पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसकी जहाँ पर जो यहाँ लिखा गया है कॉमन नेम है विनाइल क्लोराइड, CH2 CHCl, विनाइल क्लोराइड कॉमन नेम, तो इसकी एन एकलक इकाइयाँ, ये एन एकलक इकाइयाँ
आपस में जुड़ के एक यदि लंबी श्रृंखला ये बना दे तो योगात्मक में क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये इधर जुड़ जाएगा, इधर जुड़ जाएगा, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा इधर सी एस टू और ये आ गया यहाँ पे भी जुड़ जाएगा, तो इसकी एन इकाइयाँ एक जुड़कर एक लंबी श्रृंखला ये बना दे, ठीक है, तो ये एक बहुलक जो बन जाएगा उसको कहेंगे पॉलीविनाइल क्लोराइड। एक लग इकाई क्या है यहाँ पर, विनाइल, और एक लंबी श्रृंखला बन जाएगी वो गया पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसे पीवीसी आपने जानते हो, ये पाइप, दूसरे जो अपन कह रहे हैं सैनिटाइज, इसमें पानी के पाइप है, ठीक है, ये खिलौने बनाने में भी पीवीसी जो प्लास्टिक है इसको यूज किया जाता है। अगला जो पॉलीमर है प्लास्टिक की कैटेगरी के अंदर ही, वो है पान, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, पान जिसको क्या कहेंगे, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। एकलक इकाई जो है पान की वो है एक्रिलोनाइट्राइल, सी एस टू डबल बॉन्ड सी एस सी एल, ये इसका फॉर्मूला है, और एक्रिलोनाइट्राइल की इसका कॉमन नेम है, साधारण नाम, ठीक है। इसकी एन एकलक इकाइयां आपस में जुड़कर योगात्मक बहुलीकरण के फलस्वरूप एक लंबी श्रृंखला बना देते हैं, तो होगा क्या, ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और इधर बॉन्ड बन जाएगा, इधर भी बॉन्ड बन जाएगा, तो इस तरीके से एक लंबी ये श्रृंखला बन जाएगी यहाँ पर एन एकलक इकाइयों के जुड़ने से, जो बन गया यहाँ पर पान पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। ये भी योगात्मक बहुलीकरण का ही एग्जाम्पल है, और इसको ध्यान दें ओरलोन, क्या कहते हैं इसको, ओरलोन भी कहते हैं इसको। अगला जो है पॉलीस्टाइरीन, प्लास्टिक का ही यही एग्जाम्पल है पॉलीस्टाइरीन, इसकी एकलक इकाई जो है वह सी सिक्स एच फाइव सी एस डबल बॉन्ड सी एस टू, इसका जो कॉमन नेम है वो है स्टाइरीन, ठीक है, कॉमन नेम है स्टाइरीन, सी सिक्स एच फाइव सी एस डबल बॉन्ड सी एस टू स्टाइरीन, ठीक है, जो कि अभी एक पॉइजनस गैस होती है, अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा जहाँ हैदराबाद के अंदर लीकेज हुई थी गैस, जिससे काफ़ी डेथ भी हो गई थी इससे, तो पॉइजनस गैस है ये, तो इसमें ये सी सिक्स एच फाइव सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू लंबी ये पाइप बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और इधर बॉन्ड बन जाएगा, ये इधर भी बॉन्ड बन जाएगा, एक लंबी श्रृंखला बन जाएगी पॉलीस्टाइरीन, जिसको कहेंगे पॉलीस्टाइरीन, ये भी एक प्लास्टिक का एग्जांपल। तो ये जो अपने अभी बात की है पॉलीथीन पीवीसी पान पॉलीस्टाइरीन, ये प्लास्टिक है और ये योगात्मक बहुलीकरण के द्वारा इन बहुलकों का फॉर्मेशन होता है, ये बहुलक बनते हैं, ठीक है। इसके बाद ये दो और लिखे हैं, ब्यूना एस एंड ब्यूना एन, ब्यूना एस एंड ब्यूना एन, ये सिंथेटिक रबर, ये रबर के एग्जांपल हैं। इससे पहले अपने रबर का एग्जांपल और लिया था, वो था नेचुरल रबर, प्राकृतिक रबर, और प्राकृतिक रबर की एक इकाई जो थी वो थी आइसोप्रीन टू मिथाइल ब्यूटा वन थ्री डाइलीन, आइसोप्रीन उसका कॉमन नेम था, उसके योगात्मक बहुलीकरण से वन फोर एडिशन से एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन हो रहा था जिसमें, ठीक है, तो वो था प्राकृतिक रबर। अभी अपन जो बात कर रहे हैं वह सिंथेटिक रबर, संश्लेषित रबर, जैसे सिंथेटिक रबर का एक और एग्जाम्पल जो आता है यहाँ पर वो है जिसमें क्लोरोप्रीन, ठीक है, जिसमें एक लेके कई है और जिससे बन जाता है नियोप्रीन, लेकिन वो अपने आपके टेंथ में नहीं दे रखा है, तो टेंथ में ये दो एग्जांपल आपका दे रखे हैं ब्यूना एस एंड ब्यूना एन, तो इनका भी ज़्यादा नहीं है इसमें एक लेके कई ध्यान रखनी है आपको, केवल यहाँ पर इतना ही आपका दे रखा है, आगे यदि इलेवन ट्वेल्थ में आप जाओगे तो इसको और ज़्यादा डिटेल से आप इसकी स्टडी कर पाओगे जो पॉलीमर का है। अभी अपन अभी अप टू टेंथ लेवल तक की यदि बात करें तो आपको जितना दिया गया है उसकी अकॉर्डिंग यदि बात करें अपन, तो ब्यूना एस के अंदर इसकी जो मोनोमर यूनिट है जो एकलक इकाई है वो है ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरीन, ठीक है, ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरीन, और ब्यूटाडाइन का जो फॉर्मूला यदि है, यदि अपन बात करें यहाँ पर, तो इस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ ब्यूटाडाइन का जो फॉर्मूला है सी एस टू डबल बॉन्ड सी एच सी एस डबल बॉन्ड सी एस टू, और स्टाइरीन जो है वो आप जानते हो सी सिक्स एच फाइव सी एच डबल बॉन्ड सी एस टू, ये स्टाइरीन, ठीक है।
ब्यूनाइस ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरिन लिख के, ब्यूनाइन ये ब्यूटाडाइन और एक्रिलोनाइटाइल, ब्यूटाडाइन का तो यही है, एक्रिलोनाइटाइल का फॉर्मूला ये होता है। तो आपको केवल इनका मोनोमर यूनिट का नाम याद रखना है, ठीक है। और यदि सिंथेटिक पॉलीमर रबर की बात करेंगे तो ये दो ध्यान रखो। थैंक यू।